कुंभ की महिमा है महान, आइए ना श्रीमान। इस तर्ज पर हर जगह हम आपको पूज्य महाराज श्री से मिलवा रहे हैं, प्रयाग की महिमा को आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयाग की महिमा जितना ही कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन आपको हमारी सनातन पीढ़ी को सही जानकारी हर समय निरंतर मिलती रहे, इसको लेकर के जयपारस कुंभ दर्शन का एक विशेष कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहा है। प्रतिदिन हमारी इस परंपरा में हम अलग अलग पूज्यश्री से आप तक यहाँ की गाथा को पहुंचा रहे हैं। इसी के तहत हमारे साथ महामंडलेश्वर परम पूज्य प्रणवानंद जी महाराज हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि इस पावन धरती का, इस पवित्र पावन धरती का, तीर्थों के राजा का महात्म क्या है। पूज्यश्री बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे यहाँ के पतित पावन धरती के बारे में? ये प्रयागराज हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ त्रिवेणी संगम है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, तीन नदियों का संगम। प्रत्येक नदी ऐसी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ तीनों नदियाँ एक जगह पर आ जाए तो कई गुना इनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है। इसका जो मूल उद्गम है वो हिमालय है, हिमालय से मंदाकिनी में सरस्वती जी मिल जाती हैं और वही मंदाकिनी भागीरथी में मिलती हैं और वही भागीरथी आगे चल करके गंगा जी कहलाती हैं। तो हिमालय का सारा जो पवित्र जल है, जो गंगा के रूप में मानस सरोवर से निकला हुआ जल, वो गंगा जी के रूप में आ जाता है और गंगा जी मिल जाती हैं यमुना जी में और यहाँ पर बहुत विराट एक संगम हो जाता है। ये धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का संगम है और यहाँ लाखों साधु महात्मा, मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया से गिरी कंदराओं में रहने वाले साधु यहाँ पर पहुँच जाते हैं। 13 अखाड़े हैं और इन 13 अखाड़ों के साधु एक झंडे तले बहुत प्रेम से, अपनत्व से रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, आपस में मिलते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं और इन साधु महात्माओं के आध्यात्मिक चर्चाओं का प्रमुख केंद्र बिंदु होता है कि विश्व का कल्याण कैसे हो, क्योंकि हमारी सनातन जो संस्कृति है वो विश्व मानव और उसका संरक्षण, जो प्रकृति हैं, जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण। तो हमारी ये जो विराट चेतना करोड़ों लोगों की यहाँ एकत्रित हो जाती हैं, वो मानव चेतना को किस प्रकार हम विकसित करें, उनको स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का समावेश हो, ये संगम नहीं है, एक प्रकार से एक विराट एक साधना का आदान प्रदान और सामूहिक चेतना को विकसित कर सुख शांति में कैसे लिया जाए, इसका एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। और ये जो आध्यात्मिक विचारों का संगम है, ऐसा संगम दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सारी शक्तियाँ आध्यात्मिक एक जगह पर आ जाती हैं और एक जगह पर आके जब ये साधना करते हैं तो ऐसा यहाँ पर एक शक्तिपुंज पैदा हो जाता है विचारों का, आध्यात्मिक साधना का, और वो दुनिया को प्रभावित करता है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के मन को प्रभावित करता है। और यहाँ ये कुंभ कोई बूढ़े वृद्ध लोगों का नहीं है, यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक आते हैं। यहाँ साधुओं में भी 100 साल की उम्र के भी हैं, 120 साल की उम्र के भी साधु हैं और आपको 12 साल के भी साधु मिलेंगे। तो ये विराट जो कुंभ है आध्यात्मिक दृष्टि से सनातन हिंदू धर्म में इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, इसलिए इसको प्रयागराज बोला है, माने ये हमारे तीर्थों का राजा है, हमारे जितने भी तीर्थ हैं सबका ये राजा है। और क्यों ना हो कि आज 4 कुंभ लगते हैं, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है और यहाँ प्रयागराज में लगता है। तो ये 4 कुंभों में सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ होती है, 1 नंबर प्रयागराज, 2 नंबर हरिद्वार, 3 नंबर उज्जैन और 4 नंबर में नासिक आता है। और यहाँ साधु, जो साधु बनते हैं वो बहुत गौरव का अनुभव करते हैं। यहाँ पर जो साधु बनता है उसको सिद्ध माना जाता है, उनके अंदर सिद्धि, वैराग्य, त्याग, समाज सेवा पैदा हो जाती है। और जो हरिद्वार में साधु बनता है उसको बोलते कि उसमें वैराग्य आ जाता है, और जो उज्जैन में साधु बनता है उसमें अंदर थोड़ी सी घुसेल प्रवृत्ति रहती है और वो ऐसा कुछ, और जो नासिक बनता है उसमें थोड़ी दया करुणा ऐसा कुछ भाव आ जाता है। तो इन चारों भावों में ये जो प्रयागराज का कुंभ है वो हम आध्यात्मिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। और यहाँ जब हम आते हैं और हम अपनी साधना करते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, और जो हजारों हजारों लोग यहाँ आते हैं जिनके पास कोई ओढ़ने को
कपड़ा नहीं होता है, रहने को कोई ठिकाना नहीं होता है, तो वो सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम सारे साधु उनकी व्यवस्था करते हैं और वो लोग बहुत आनंद से हमारे आध्यात्मिक कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पर यज्ञ होते हैं, यज्ञ में अनेकों देव देवताओं को स्वाहा किया जाता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र घोष होता है। यहाँ गीता, उपनिषद, भागवत आदि के प्रवचन होते हैं और उन प्रवचनों में मानव मात्र का उद्धार कैसे हो, मानव की जो जीवन ऊर्जा जो पशुता की तरफ है प्रवाहित हो रही है उसको दैवी चेतना में कैसे बदला जाए, वो हम प्रैक्टिकल यहाँ जीवन में उतारते हैं। ये कुंभ केवल थ्योरी का नहीं है, केवल ये प्रवचन का नहीं है, ये हम अपने धर्म को जीवन में कैसे उतारें ये प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर आप सोते हैं, यहाँ बहुत ठंड है, अब ठंडी को हम सहन कर लेते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं तो इतना ठंडा जल होता है कि बहुत मुश्किल से हम एक डुबकी लगाते हैं, दूसरी डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं होती है, फिर हम स्नान करते हैं, तो ये बहुत कष्टपूर्ण होते हुए भी हम इस साधना के रूप में हम लेते हैं और हम अपने जीवन में तितिक्षा, वैराग्य, त्याग को पैदा करके मानव के कल्याण के लिए हम अपनी चेतना को समर्पित करते हैं। ये हिंदू धर्म का एक विराट जो संतों का और आध्यात्मिक लोगों का संगम, और यहाँ पर तो नास्तिक लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, साधु महात्माओं को नहीं मानते, ऐसे युवा भी केवल ये कुंभ को देखने के लिए आते हैं कि ये मानव चेतना इतनी विशाल रूप में एकत्रित कैसे होती हैं और इतने करोड़ लोग एक साथ इतने प्रेम से कैसे रहते हैं, क्योंकि इन करोड़ों लोगों के भोजन की व्यवस्था किसी होटल में नहीं होती है, ना कोई गवर्नमेंट करती है, इन करोड़ों लोगों का भोजन आश्रमों से मिलता है। यहाँ बड़े बड़े अन्न क्षेत्र हैं, उन अन्न क्षेत्रों में जाके भोजन करते हैं। आप यहाँ किसी भी व्यक्ति को जाके पूछिए कि आपने भोजन किया, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं भूखा हूँ, उसको हर कोने पर, हर आश्रम में कहीं भी जाए तो उसको भोजन मिलता है, उसको चाय मिलती है। और ऐसा भी नहीं होता है कि आज तक का रिकॉर्ड है कि कुंभ मेले में कभी ठंड से आदमी मर गया हो। इतने करोड़ों लोग आने के बाद भी कोई आदमी ठंड से नहीं मरता है, क्यों नहीं मरता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आश्रय मिल जाता है, उसको व्यवस्था मिल जाती है, उसको चाय मिलती है, उसको भोजन मिलता है, महात्मा लोग उनके लिए कंबल की व्यवस्था करते हैं, महात्मा लोग बहुत परिश्रम से इस कुंभ की व्यवस्था करते हैं। हम लोग वर्षों से इसकी तैयारी करते हैं कि हमारे यहाँ लोग आएंगे तो उनको रहने की व्यवस्था कैसे की जाए, उनके कंबलों की व्यवस्था कैसे की जाए, उनको चाय की व्यवस्था कैसे की जाए, सुबह उठे बहुत ज़्यादा ठंड हो, कोई बीमार हो तो उसको गर्म पानी की व्यवस्था कैसे दी जाए, तो ये सारी व्यवस्थाएं। और हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारे कुंभ में, हमारे मेले में कोई बीमार हो जाए तो उसको कहाँ भेजना चाहिए, उनको कैसी व्यवस्थाएँ देनी चाहिए। तो ये कुंभ महात्माओं के लिए एक आध्यात्मिक प्रयोग, अपने जीवन में जो उन्होंने जाना वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार करके मानव मात्र की चेतना को उस राष्ट्र के विराट, विश्व के विराट निर्माण में सहयोग करने के लिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक कुंभ है। हम चाहते हैं कि ये कुंभ इसी प्रकार युवाओं तक पहुँचे और हमारा सनातन धर्म का जो ऐश्वर्य है वो दुनिया को मालूम पड़े और नव युवा पीढ़ी को इसका अच्छा संदेश मिले। पूज्यश्री, सही आपने कहा और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि सनातन धर्म की संस्कृति क्या है, किस तरीके की पद्धति होती थी, क्या कुछ हमारे उन वेद पुराणों उपनिषदों में जो कुछ लिखा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं आप इस क्षेत्र में आइए, यहाँ का दर्शन करिए, संत महात्माओं का मार्गदर्शन प्राप्त करिए, ये पतित पावन धरती पुण्य आपको प्रदान करेगी और आपका जीवन सदैव सफल रहेगा। एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का ये आयोजन इस बार किया जा रहा है, शाही स्नान किए जाते हैं, अखाड़ों का अलग अलग 13 अखाड़ों का निर्माण किया गया है पूज्य मनीषियों के माध्यम से, लेकिन इस शाही स्नान के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो तीर्थराज प्रयाग में तिथि होती है स्नान की, जैसे 15 तारीख को स्नान हुआ और वो 4 फरवरी को होगा, 10 फरवरी को होगा, तो ये प्रमुख हमारी जो तिथियाँ हैं, इन तिथियों में सबसे पहले साधु महात्मा लोग स्नान करते हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा है और ये अलग अलग जो अखाड़े हमारे 11 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के सन्यासी लोग नागा सबसे पहले स्नान करते हैं, उसके पीछे महामंडलेश्वर लोग करते हैं और महामंडलेश्वरों के साथ साधु महात्मा और उनके विशिष्ट भगत भी रहते हैं। तो ये जो हमारी विराट जो शाही स्नान की परंपरा है, एक तिथि में, एक विशेष तिथि में उस त्रिवेणी संगम में जा करके साधु महात्माओं के स्नान का महत्व है। और वो समूह में हम जाते हैं तो उसमें बहुत सारे नागा गाजे बाजे बजाते हैं, वो पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं, उत्सव आनंद। ये जो शाही स्नान माने एक आध्यात्मिक उत्सव आनंद का समय है कि हम उस
तीर्थ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो हम इतने खुश हैं और हम अपनी वेशभूषा पारंपरिक रूप में शाही माने रथों पर बैठकर जो महामंडलेश्वर होते हैं वो अखाड़े के प्रमुख होते हैं, अखाड़ों में उनको बहुत आदर मिलता है। पूरे साधु समाज में महामंडलेश्वरों का कुंभ में बहुत बड़ा महत्व होता है। सबसे बड़े यहाँ पर महामंडलेश्वर माने जाते हैं कुंभ में, और इसमें उन महामंडलेश्वरों को ऊपर बैठा देते हैं, अखाड़े के लोग सम्मान देते हैं, रथों पर बैठा देते हैं और उनको फिर बहुत सम्मान से अखाड़े महामंडलेश्वरों को स्नान कराने के लिए ले जाते हैं। एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि इन सारी गतिविधियों के साथ साथ हम एक नया पहल लेके आए हैं। हमारा चैनल जो है कुंभ दर्शन के माध्यम से आप श्री के वचन को हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है, इस कार्य को आप किस तरह से आशीर्वचन देना चाहेंगे? ये आपका काम तो बहुत बड़ा है क्योंकि हम यहाँ जो करते हैं वो हम समाज तक तो पहुँचा नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर जो भी करते हैं आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाते हैं, ये आपका काम तो बहुत बड़ा है, हम लोगों से भी बहुत बड़ा काम है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपका चैनल जय पारस, ये चैनल और भी चैनल बहुत सारे हैं जो हमारी यहाँ की गतिविधियाँ आध्यात्मिक भाव बहुत लोगों तक माने दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। अभी मेरे पास कोई मुंबई का फ़ोन आया, वो बहुत खुश थे, वो बूढ़े थे और वो यहाँ तक नहीं आ सकते थे, वो दिन भर टीवी में उन्होंने देखा और यहाँ का शाही स्नान देखा, साधुओं को देखा और बहुत गदगद हुए, वो ऐसा अनुभव कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर वो सम्मिलित हो गए। तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं इसके लिए कोई शब्द नहीं है, जो हम कर रहे हैं उससे लाखों गुना माने हम हजार लोगों तक 10,000 लोगों तक हम अपने अध्यात्म को पहुंचाते हैं अपने जीवन से अपने प्रवचन से, लेकिन आप अपने इस टेक्निक से माध्यम से आप मानव मात्र को दुनिया को और कोई नक्षत्र ग्रह में भी कोई आदमी होगा और उनके पास भी हमारी टेक्नोलॉजी पकड़ने की कोई टेक्निक होगी तो वो लोग भी हमारा कुंभ देख रहे होंगे, तो उसका श्रेय आपको मैं देता हूँ। और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप नव युवाओं को यहाँ का जो सकारात्मक और जो मानव सेवा और विश्व के कल्याण के लिए किस प्रकार यहाँ साधु महात्मा और यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, इस काम को आप लोगों तक दिखाए तो हमारे राष्ट्र का, समाज का और दुनिया का उद्धार होगा। जी बहुत बहुत आभार आपका, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को भी मैं संदेश दे रहा हूँ कि यहाँ बहुत हम लोग खुश हैं और हमारे योगी सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं और यहाँ आप आइए, सब लोग आइए, खूब आनंद मनाइए और ये आध्यात्मिक आनंद ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ अध्यात्म के साथ बहुत ढेर सारा आनंद जुड़ा हुआ है, तो आप आनंद मनाने के लिए आइए, आपका सबका स्वागत है। हरिओम। पूज्य श्री ने भी आपको आवाहित किया और हम भी शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि आप आओ, अपनों को साथ लाओ, प्रकल्प में अपनी सहभागिता इसलिए सुनिश्चित करें कि हमारा सनातन धर्म कैसा है, उसकी किस तरह की परंपरा है, आने वाली पीढ़ी को परिवार के साथ जब आएंगे तो यहाँ की कलाओं को देखेंगे, यहाँ की सनातन परंपराओं को देखेंगे, उन्हें भी अपनी परंपरा को आत्मसात करने का एक माध्यम मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए संत के साथ और उनकी वाणी आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय प्रयागराज।